महाभारत के युद्ध में धनुर्धर, अर्जुन और दानवीर कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। जब जब कर्ण का तीर आता था, अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब जब अर्जुन तीर चला रहे थे तो उस तरफ कर्ण का जो रथ था वो थोड़ा ज्यादा पीछे खिसक जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर आके अर्जुन के रथ पर लगता, अर्जुन का रथ थोड़ा भी पीछे खिसकता, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की, वीरता की प्रशंसा करने लगते। और जहां अर्जुन का तीर जाकर के कर्ण के रथ को लगता वो बहुत पीछे खिसक जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। अर्जुन से रहा नहीं गया कि क्या हो रहा है, तो उसने पूछ लिया कि भगवान देखो आप, मेरा वाला तीर जाता है उसका रथ बहुत पीछे चला जाता है, उसका आता हमारा तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसकी प्रशंसा करनी जरूरी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूं, ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, तुम्हारे पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है, लेकिन तब भी कर्ण के तीर की ताकत देखो कि थोड़ा तो पीछे खिसक रहा है, इसलिए वो तुमसे ताकतवर तो है। अर्जुन ने जब यह सुना और समझा तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, टूट गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार। कर्ण को लेकर के बहुत सारी बातें दुनिया में कहीं सुनी जाती हैं। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण की गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। स्वागत है आपका लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, और शुरुआत में कहना चाहता हूं कि कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, मित्रता के खातिर सर्वस्व अपना बलिदान किया था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था। फाइव लर्निंग्स फ्रॉम कर्ण, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं कर्ण के किरदार की। तो बहुत से लोग दुनिया में जिन्होंने महाभारत को पढ़ा समझा है वो कहते हैं कि कर्ण से क्या सीखे, कर्ण तो महाभारत को रुकवा सकता था, कर्ण ने ये नहीं किया। कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि कर्ण की गलतियों से सीखिए, कभी जीवन में ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। पहली गलती जो कर्ण ने की हस्तिनापुर में, जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, कौरव पांडव, तो सारे राजकुमारों की जो कला थी उसका प्रदर्शन करवाया जा रहा था, मैदान में सब इकट्ठे थे और सब अपने टैलेंट का शोकेस कर रहे थे। तभी वहां कर्ण पहुंच जाता है और अर्जुन को चेतावनी देता है, खुली चुनौती देता है कि आ जाओ मेरे साथ में, आजमाओ, बताओ किसमें कितना दम है। अब कर्ण जो था वो उम्र के हिसाब से युधिष्ठिर से बड़ा था, भीम से बड़ा था, यहां तक कि अर्जुन से काफी बड़ा था, बहुत एज डिफरेंस था। अपने से काफी छोटे को ऐसे ललकारना ये शोभा नहीं देता, और यही पहली गलती कर्ण ने कर दी थी। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी वो थी भरी राजसभा में, जहां चौसर का खेल खेला जा रहा था, पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया, चीरहरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के ही भाई विकर्ण ने कहा कि ये गलत हो रहा है भैया, इसको रोक दीजिए। तब कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा और कहने लगा कि ऐसी स्त्री के साथ तो यही सब होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, और वही सब जो शब्द थे, वही जो दृश्य था, वही महाभारत का कारण बना। कर्ण चाहता तो वो रुकवा सकता था, वो नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन वो आवेश में आकर कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी नारी का अपमान मत करना। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है कर्ण के किरदार से, काफी सारी अच्छाइयां भी थी, दानवीर था कर्ण। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है वो है बाउंस बैक करना, जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद जब होता है तो कर्ण कहता चला जाता है कि प्रभु मेरे साथ तो सब गलत होता गया, जिस मां ने मुझे जन्म दिया उसने जन्म देते ही त्याग दिया, मुझे क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला, मुझे गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे भटकना पड़ा, मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा, यहां तक कि द्रौपदी के वहां स्वयंवर में पहुंचा तो वहां भी मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली बात है, उसने हर परिस्थिति में खुद को ढाला और उससे बाहर निकलने की सोची, बाउंस बैक करने की सोची। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था कर्ण को शिक्षा देने से, तो वो अपने गुरु को ढूंढने के लिए खुद निकल चुका था और गुरु परशुराम के पास जाकर के पहुंच चुका था। कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में, और जब जरूरत पड़ी तो अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध भी लड़ा। तो कर्ण ये सिखाता है कि सिचुएशन चाहे जो हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं। तीसरी बात जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है, शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान कीजिए। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, वहां से इनको लौटा दिया जाता है, कहा जाता है कि हम तो सिर्फ क्षत्रिय को सिखाते हैं। कर्ण को कैसे भी धनुर्विद्या सीखनी होती है तो मालूम चलता है कि भगवान परशुराम जी के यहां सीखी जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ब्राह्मण होने का नाटक करके वहां पहुंच जाता है कि मैं भी ब्राह्मण हूं, शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक दिन भगवान परशुराम जी अपने शिष्य की गोद में सर रख करके आराम कर रहे होते हैं,
तभी एक बिच्छू आता है और कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगता है। दर्द तो कर्ण को बहुत हो रहा होता है, लेकिन हटाता नहीं है कि गुरुजी की नींद ना खुल जाए। भगवान की नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, और वो विश्राम कर रहे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए तो सह लेता है सारे दर्द को। बिच्छू चला जाता है डंक मार के, खून बहने लगता है। कुछ समय के बाद में भगवान परशुराम की नींद खुलती है। वो देखते हैं कि कर्ण की जांघ में से खून बह रहा है, तो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है, कौन हो तुम बताओ। और गुस्सा आ जाता है, उन्होंने वो श्राप दे देते हैं कि तुम मेरी विद्या को तब भूल जाओगे जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम्हें याद ही नहीं आएगा। कर्ण चरणों में गिर जाते हैं, कहने लगता है भगवान ऐसा श्राप मत दीजिए। लेकिन श्राप एक बार दे दिया, वापस तो लिया नहीं जा सकता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं किस कुल में पैदा हुआ, कहां मेरा जन्म हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे बस धनुर्विद्या सीखनी थी इसलिए आपके पास चला आया। भगवान परशुराम फिर अपने शिष्य को देख करके, दया करके अपना विजय धनुष जो है दे देते हैं। एक और श्राप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। एक बार जंगल में राक्षस का पीछा करते हुए कर्ण दौड़ा चला जा रहा होता है और वो तीर चला देता है, तो तीर राक्षस की जगह जाकर के गाय को लग जाता है। गाय का स्वामी ब्राह्मण होता है। जब वो ब्राह्मण देव वहां आते हैं तो कहते हैं तुमने क्या कर दिया, एक असहाय को मार दिया, तुम भी जब असहाय रहोगे तो तुम्हें कोई मार देगा। और यही होता है युद्ध भूमि में, जब अर्जुन से सामना होता है तो विद्या भूल जाता है कर्ण, उसके रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, अर्जुन तीर चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सार ये है कि जिसने शिक्षा दी उनका भी सम्मान कीजिए और जो शिक्षा मिली उसका भी सम्मान कीजिए। चौथी बात जो सीखनी चाहिए कर्ण के जीवन से, कर्ण ने ना सिर्फ मित्रता की बल्कि मित्रता को निभाया भी। आज की लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स में से बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी फ्रेंडशिप को निभाते हैं। कर्ण को मालूम था कि जीत इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की होगी, क्योंकि उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया, एक बार भी ना नहीं कहा। अपने मित्र दुर्योधन को यह भरोसा दिलाता गया कि हमारी जीत होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। कौरवों की पूरी सेना आंख मूंद करके कर्ण पर विश्वास करती थी। दुर्योधन ने भी मित्रता निभाई थी। जब पांडवों ने कहा कि कर्ण कोई राजा तो है नहीं, हमसे युद्ध कैसे करेगा, तो तुरंत एक राज्य का राजा दुर्योधन ने कर्ण को बना दिया था। कर्ण को जब महाभारत के युद्ध में बीच में मालूम चलता है कि उसकी जो असली मां है वो कुंती है, वो पांडवों का ही भाई है, तब वो मां कुंती को प्रणाम करके कर्ण कहता है कि मां माफ करना, लेकिन इस युद्ध में आपके 5 ही बेटे बचेंगे। युधिष्ठिर रहेंगे, नकुल रहेंगे, सहदेव रहेंगे, भीम रहेंगे, लेकिन अर्जुन और कर्ण में से सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि युद्ध तो मां होकर के रहेगा। कर्ण को सब कुछ मालूम था, हार सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया अपनी मित्रता के वचन को निभाने के लिए। दोस्ती निभाना अगर सीखना हो तो कर्ण से सीखिए। और आखिरी पांचवी बात जो सीखनी चाहिए कर्ण के जीवन से, अगर आपने दूसरों से ज्यादा कमाया है दुनिया में तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के हित के लिए कुछ ना कुछ पैसा उसमें से लगाएं, कुछ डोनेट करें इस समाज के लिए जिसमें से आपने कमाया है। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। ना सिर्फ उसने मित्रता निभाई बल्कि दानी होने का जो गुण था वो भी जीवन भर निभाया। अंतिम समय में जब अंतिम श्वास कर्ण गिन रहा था, युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को याद रखेगा जमाना, याद रखा जाएगा इसके वीरता के गुण के लिए और इसके दानवीर होने के गुण के लिए। तो अर्जुन ने कहा कि ये सबसे बड़ा दानवीर तो नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी बता देते हैं तुम्हें। ब्राह्मण का वेश धर करके पहुंच गए भगवान कर्ण के पास जो युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था, और जाकर के कहने लगे कि आए तो हम आपसे मदद मांगने के लिए थे, लेकिन आप तो खुद ही अभी अपने अंतिम श्वास गिन रहे हैं, चलिए हम चलते हैं, बाद में आते हैं, अब आपसे मिलेंगे किसी अगले जन्म में मिलना होगा। तो कर्ण ने कहा रुकिए महाराज, आप आए ब्राह्मण देव और आप खाली कैसे जा सकते हैं, माना कि मेरी मृत्यु बस होने ही वाली है। लेकिन तुरंत कर्ण ने युद्ध भूमि में से पत्थर उठाया, अपना सोने का दांत तोड़ करके उनको दे दिया और कहा ये ले जाइए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा कर्ण मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी दानवीर होने की इस क्षमता से बहुत प्रसन्न हूं, तुम इस दुनिया को कुछ ना कुछ देते ही चले गए। कर्ण ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। सबसे पहला कर्ण ने कहा कि मेरे साथ में जिस तरीके का अन्याय हुआ, आप अपने अगले जन्म में सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरे वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय ना हो। दूसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। आखिरी में बस ये कहना चाहता हूं कि जीवन में 2 मित्र हमेशा बनाना,
पहले भगवान श्री कृष्ण जैसे जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दें, और दूसरे कर्ण जैसे जिन्हें मालूम हो कि हार सामने खड़ी है लेकिन फिर भी आपका साथ ना छोड़ें। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।